हेलो हाँ सर, पल्ला साहब बोल रहे हैं? हाँ जी, हाँ सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। सर मेरे दो इशू हैं। हाँ जी, आपका आपकी वीडियो देखे तो मैं थोड़ा प्रेरित हुआ आपसे चर्चा करें। जी जी बताइए। सर मेरी उम्र 70 है। हाँ जी, और मुझे दो हैं प्रॉब्लम, एक तो बीपी की है लास्ट 20 इयर्स, और एक प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की है बीपीएच। ओके, ये लगभग 10 साल से ये है। जी जी तो मैंने 4 महीने पहले वो उनका चौधरी का वीडियो देखे थे, तो मैं शुरू कर दिया वो उनकी डाइट शुरू कर दी। ठीक ठीक है। तो 4 महीने में ये हुआ कि अब मतलब 5 किलो वेट कम हो गया मेरा, 65 से 60 पे आ गया। और अब तो स्थिति और खराब हो गई, मतलब चार पाई से उठते हैं तो पैर लड़खड़ाने लगे, मतलब वीकनेस आ गई। फिर ये परसों आपका वीडियो मेरे देखते देखते वो मिल गया, तो मैंने फिर उसको देखा, और भी वीडियो देखे, तो मैंने मेरी क्यूरियोसिटी हुई कि वो सब छोड़ो आपसे चर्चा करें। नहीं तो आप 4 महीने से लगातार कर रहे थे इसको, बिस्मिल राय चौधरी को? जी हाँ, 4 महीने से कर रहे थे। अभी भी कर रहे थे? नहीं, 2 दिन मतलब परसों मैंने जब आपका देखा तो उससे पहले तक कर रहे थे। हाँ, उसके पहले तक मैं कर रहा था। तो मेरा बीपी तो कम हो गया था, नॉर्मल आ गया था, लेकिन कमजोरी बहुत ज्यादा हो गई, तो फिर मैं सहन नहीं कर पाया। तो परसों मैंने आपका देखा तो फिर वो उनका बंद कर दिया, और आपका मैंने जो पानी का था रिस्ट्रिक्ट करने का, तो 4 बजे मैंने देखा था, 4-5 बजे के आसपास, तो उसी समय से मैंने पानी बंद कर दिया। और नाइट में खाना लिया और करीब 200 ml पानी लिया। तो एक तो साइकोलॉजिकली भी एक तरफ मुझे सेटिस्फेक्शन मिला, और रात को बढ़िया पेशाब और 6-7 घंटे नींद भी आई। और उसके बाद दूसरे दिन हमारा फिर कंटिन्यू रहा। दूसरे दिन चूंकि हमारा मॉर्निंग का जो है ब्रेकफास्ट का फलों का था, तो कुछ अरेंजमेंट दूसरा कर नहीं पाया, तो फिर मैंने एक केला लेकर के और एक ग्लास पानी, मतलब 200 ml पानी लेकर के काम चलाया। दोपहर का खाना लिया, 200 ml पानी लिया। शाम को फिर लंच लिया, वो डिनर लिया, और वही 200 ml पानी लिया। बाकी हमने सलाद रात बंद कर दिया, सलाद ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स और वो ककड़ी वकड़ी सब खीरा सब बंद कर दिया मैंने। तो फिर वॉक एंड रेस्ट, 5 मिनट चलना, 5 मिनट। हाँ, कल मैंने किया, कल सुबह 1 घंटे किया, शाम को कम कर पाए। शाम को नहीं, रात को जस्ट सोने से पहले करिए। हाँ, वो रात को नहीं कर पाए, थोड़ा कराया, मतलब एक करीब 15-20 मिनट किया, और फिर वो नहीं कर पाए, कुछ दूसरा काम लग गया। ठीक है। तो आपको रात को नींद वगैरह अच्छी आई? रात को नींद नहीं आई, कल नींद नहीं आई बिल्कुल भी। ठीक है। परसों अच्छी नींद आई थी। नहीं, परसों नहीं, एक दिन डे बिफोर परसों के पहले एक दिन मैंने किया था, वो आपका सुना था। तो परसों नींद अच्छी आई, और उसके एक दिन पहले नींद अच्छी आई, 2 दिन ठीक आई, कल नहीं आई, लेकिन पूरे रात नींद नहीं। परंतु आपके एनर्जी लेवल बढ़ा कि नहीं? एनर्जी लेवल सर अभी तो नहीं बढ़ा। और मुंह में सलाइवा है? जी, सलाइवा तो बिल्कुल नहीं बढ़ रहा, मतलब खत्म ही हो गया है, टेस्ट भी नहीं आ रहा खाने में। आज हमने अभी खाना खाया 12 बजे, तो उसमें कोई टेस्ट नहीं आया, लेकिन चूंकि पेट खाली रहता है तो खा लिया, फिर प्यास लगती है तो इस वजह से फिर खाना खा लिया, 3-4 रोटी छोटी छोटी। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि आपको पहले जब आप फ्रूट वगैरह लेते थे तो आपको सलाइवा आता था? तब तो आता था, सलाइवा तो आता था, लेकिन अब जो कमजोरी बहुत आ गई थी, तो हमने कहा ये कब तक करेंगे। और पर अभी आप कह रहे हैं कमजोरी भी खत्म नहीं हुई आपकी? हाँ, कमजोरी अभी खत्म नहीं हुई, लेकिन अभी तो मैं बात कर रहा हूँ, फिर आपसे बात भी कर रहा हूँ, तो मतलब इतना ही है बस, थोड़ा बहुत बात कर पा रहे हैं। बाकी का जैसे मार्केट आके जाना हुआ तो थोड़ी वीकनेस महसूस होती है, जा ही नहीं पाते। अच्छा, उनका बीपी चूक बढ़ने लगा था, 3-4 महीने तो नॉर्मल रहा, फिर बढ़ने लगा था। अभी भी जो है बीपी हमारा बढ़ा हुआ है, अभी सुबह मैंने मॉर्निंग चेक किया था तो 1-6500 था। अच्छा, 1-6500। हाँ जी। अब दवाई नहीं लेते? नहीं, दवाई मैंने 4 महीने से बंद ही कर दी थी, फिर बीच में जब बढ़ा तो मैंने शुरू कर दी थी, फिर जब आपका देगा तो मैंने फिर दवाई मैंने बंद कर दी। तो नहीं, जब आपने इस दवाई लेनी शुरू करी थी तो बीपी कितने पर चल रहा था? जब दवाई लेनी शुरू हुई तब तो मैंने हॉस्पिटल में चेक करवाया था, तो बहुत बता रही थी,
करीब 210 by 100, 120 या 110, लेकिन जब मैंने घर पे आके चेक किया तो कम था। नहीं नहीं, हॉस्पिटल में कितना था? 210 by 110। कब की बात है ये? करीब हो गए 10-12 दिन हो गए। अच्छा, और घर पे आके चेक किया था तो कितना था? तो कम था। घर पे आके तब 165 by 100 था। और आज भी 165 by 100 है? हाँ, आज भी 165 by 100 है। तो फिर मैंने जैसे 10 दिन पहले मैंने टेबलेट शुरू कर दी थी, हमने कहा बहुत ज्यादा हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ फिर कोई स्ट्रोक वगैरह हो जाए। तो मेडिसिन शुरू कर दी थी एलोपैथिक जो हमारे पास थी। फिर जब 3 दिन पहले आपका देखा तो फिर मैंने मेडिसिन बंद कर दी, क्योंकि मेडिसिन से मैं बहुत तंग आ चुका हूँ, उससे बड़े साइड इफेक्ट होते हैं, तो फिर मैं छोड़ना चाह रहा था। तो अभी जो है आज 160 सुबह मॉर्निंग में था, 160 भाई वो डिजिटल, उससे पेशाब ठीक आ रहा है? पेशाब कल तो ठीक था, लेकिन आज जो है थोड़ा आ रहा है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं आ रहा, क्योंकि कल हमने पानी पिया ही नहीं, थोड़ा पानी पिया। नहीं, आपने 500-600 ml तो पिया ना पानी? हाँ, 500-600 ml, तो कल 500-600 ml तो शायद तो हो गया होगा। आप चाय पीते हैं? हाँ, चाय बंद कर दी मैंने, पहले पीता था। कितनी? चार महीने से बंद की, जब से इनका। अच्छा, 20 रुपए। चौधरी का लेना शुरू किया, चाय बंद कर दी। उस समय चाय में ज्यादा नहीं लेता, 2 लेता था चाय। तो अभी आप वॉक एंड रेस्ट कर रहे हैं? हाँ, वॉक एंड रेस्ट आज भी किया है, आज मॉर्निंग में किया है, अभी तो ऐसे ही कर रहे हैं, बाकी वॉक कर रहे हैं आपसे बात करने में, ऊपर छत पे हैं, वैसे मॉर्निंग में किया है 1 घंटे। पेट ज्यादा कम तो नहीं हो गया? हमारी हाइट है 158 cm, यानी 5 ft 3.5 in। वेट 60 है? नहीं नहीं, ठीक है, इसकी वेट तो कोई कम नहीं है, वेट तो ठीक है, अगर और भी कम हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, चलो ठीक है। खाना पीना आपका ठीक चल रहा है? बाकी सब ठीक चल रहा है? खाना पीना में बस यही है, टेस्ट नहीं है, हमने अभी खाया, जबरदस्ती खा लिया, सुबह हमने पोहे खाए थे थोड़े, और भूख लगी थी, क्योंकि वो सुबह खाने की आदत थी, तो फल तो ले नहीं सकते थे आपके हिसाब से, तो फिर मैंने कुछ थोड़े से ड्राई फ्रूट ले लिए, करीब 20-25-30 ग्राम होंगे, 20-25 ग्राम, और एक गिलास पानी में थोड़ा पानी लिया, फिर पोहे लिए, पोहे खाए, और फिर पानी को एक गिलास पूरा ले लिया। नहीं, फिर 2 गिलास हो गए ना पानी? नहीं, एक ही गिलास में से आधा गिलास पहले ले लिया था। अच्छा। फिर पोहे बने करीब 8, 8:30, 9 बजे, पोहे लेने के बाद फिर आधा गिलास जो बचा था वो ले लिया। नहीं, अगर आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह कुछ ले रहे हैं तो उसके साथ पानी मत लीजिए। अच्छा, ऐसा? हाँ जी, और पानी को और कम कर लीजिए आप। अच्छा, तो मुँह तो सूखता है, सब बहुत ज्यादा सूख रहा है। मुँह सूखता है इसलिए क्योंकि जितना भी पानी पी रहे हैं वो अभी भी ज्यादा हो रहा है पानी। अच्छा। ठीक करेंगे तो मुँह सूखना बंद हो जाएगा, स्लाइवा भी आ जाएगा, बहुत स्वाद भी आएगा। अच्छा, तो एक तो ये सर बीपी चेक करें कि अभी रहने दें, चलने दें आपकी इससे? अगर आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही तो 165-100 को चलने दीजिए, ये थोड़ा सा कम होगा, ज्यादा कम नहीं होगा। अच्छा। तो अगर आपका 150 तक आ जाए तो फिर इसको चलाते रहिए, फिर धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, पर अगर दवाई लेंगे अगर आप बीपी की तो पानी का इंटेक बढ़ा दीजिएगा। अगर आप दवाई नहीं ले रहे, दवाई तो हमने बंद ही कर दी। ठीक है, अगर दवाई बंद कर दी तो वॉक एंड रेस्ट करते रहिए, और ज्यादा एग्जर्ट मत करिए, अभी 10-15 दिन तक ना इसको ऐसे ही रखिए। अच्छा, और अच्छा। वॉक एंड रेस्ट को भी 1 घंटे की जगह बेशक आधा आधा घंटा करके 4 बार कर लीजिए दिन में। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक साथ ज्यादा मत करिए। अच्छा, प्रोस्टेट में मिलेगा कुछ आराम मिलेगा? प्रोस्टेट में पेशाब? प्रोस्टेट में मिलेगा पर जल्दी नहीं होगा उसका, प्रोस्टेट का थोड़ा सा लंबा सिस्टम खींचेगा, क्योंकि उसमें एक कंप्लीट खाना पीना छोड़ना होता है, जो कि मैं 15 दिन शुरू के 15 दिन के लिए तो नहीं बोलूंगा। अच्छा, तो जब आप इस सिस्टम पर आएंगे आपका एनर्जी लेवल वगैरह थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, तो फिर खाना पीना 1 दिन पूरा छोड़ दीजिए। अच्छा अच्छा, और वॉक एंड रेस्ट पूरा दिन करना है उसमें, फिर तो आप 15-20 दिन या महीने के बाद करेंगे उसको, अभी तो इसको चलने दीजिए आप। तो सर आपके टाइमिंग्स क्या है, मतलब हम आपसे संपर्क करना चाहें तो? कहाँ रहते हैं आप? तो इधर एमपी में रहता हूँ, ग्वालियर। मैं दिल्ली में हूँ, फोन पर आप जब मर्जी कर सकते हैं, पर अभी जैसे कुछ कॉल चल रही थी, अगर आपको बिजी मिले तो आप बेशक छोड़ दीजिए, फिर जैसे ही मैं फ्री होऊंगा मैं आपको एक मिस कॉल या कॉल कर दूंगा, तो आप फिर बात। टाइमिंग पूछ रहे कब से कब तक रहे आपको? जब मर्जी कर लीजिए, सुबह 7-8 बजे से लेकर रात को 11-12 बजे तक कर लीजिए। अच्छा, रात को भी आप मतलब अटेंड करेंगे? चलो ठीक है, 9 बजे आपको सूट करेगा? हाँ जी, हाँ जी, 9:30-9 बजे, रात को 9 बजे। जी बिल्कुल बिल्कुल, चलिए ठीक है, ठीक है। और कोई सर, और कोई हमारे लिए इंस्ट्रक्शन? नहीं, बस इसी को फॉलो करिए, और ज्यादा एग्जर्ट मत करिए। और कॉन्स्टिपेशन तो नहीं हो रहा ना आपको 2-1 दिन से? कॉन्स्टिपेशन 2 दिन से
मतलब हार्ट स्टूल जा रहा है लेकिन कॉन्स्टिपेशन नहीं है, खाली लेवल। हाँ ठीक है, उसके कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हार्ट जाएगा तो कुछ दिन तक। कॉन्स्टिपेशन भी अगर एक आधा दिन मिस भी हो तो भी कोई बात नहीं है, पर अगर 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 आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं है हाँ फिर ठीक है, फिर चलने दीजिए, फिर आपका यही वाला सिस्टम आप 15 दिन तो चलाइए और बस ठीक है। तो फिर मैं आपसे संपर्क 3-4 दिन बाद करूँ क्या? जी 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 बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू सो काइंड सर, थैंक यू।